आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 0118 गन्ना के बारे में, 13235 के बारे में, 14201 के बारे में, यानी पूरी डिटेल से चीज़ों को दिखाएंगे कि गन्ना जो है किस तरीके से हमने तैयार किया था। और फागुन के महीने में जब आप गन्ने को सिलेक्शन करेंगे कि भाई हमें ये गन्ना बोना है अपने खेत में, तो आप ये वीडियो देखने के बाद डिसीजन ले पाएंगे कि गन्ना हमारे लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी पैदावार देने वाली है। दूसरा भाइयों, गन्ना जो है, जो आदमी जिस तरीके से खेती करता है उसके यहाँ मिट्टी किस तरीके की सपोर्ट कर रही है गन्ने को, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी हमारे यहाँ जो मिट्टी है किस गन्ने को सपोर्ट कर रही है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की जो पहली गन्ना वैरायटी है वो 0118 के बारे में बात करते हैं भाइयों। पिछली बार हमने 0118 की बहुत सारी वैरायटीज डाली थी और उसमें हमने दिखाया था कि भाई 0118 गन्ना किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 0118, इसका कलर आपको दिखाई देगा और गन्ने की जो एक्चुअल पहचान है कि हाँ भाई 0118 ही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो गन्ने का घोला है वो हल्का सा पिंक कलर का रहेगा और इसमें गन्ने में अघोले की पत्तियों के ऊपर ऊपर रेशे आपको दिखेंगे छोटे छोटे से, तो ये पहचान होती है 0118 की। दूसरा, इसके इंटरनोड ना बिल्कुल नॉर्मल से भी बड़े हो जाते हैं अगर गन्ने की हाइट प्रॉपर हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम कैमरे को नीचे से ऊपर तक दिखा रहे हैं, तो ये गन्ना जो है प्रॉपर, इसकी हाइट जो है इस गन्ने की यहाँ पे 11 से 12 फीट की लगभग हो चुकी है और गन्ना जो है अच्छा खासा है। इस गन्ने में जो मुझे रियलाइज़ हुआ, जो कमी मुझे लगी, वो ये लगी कि इसमें जो है भरपूर न्यूट्रिशन दी गई, जड़ में बहुत सारी चीज़ें दी गई। मैंने वीडियोस इस प्लॉट की बहुत सारी डाली थी और उसमें मैंने दिखाया भी था, तो भी इसमें जो है ट्रिलिंग के मामले में ना ये मात खा रहा है। मेरे हिसाब से ट्रिलिंग आप देखेंगे इतनी अच्छी नहीं है इनकी, तो गन्ने की हाइट अच्छी है, गन्ना सूख नहीं रहा है गन्ने में, और कोई दिक्कत नहीं है, वजन भी प्रॉपर है। बट इसकी पेड़ी भी, किसान भाई जो हमारे यहाँ लगाए हुए हैं वो लोग कहते हैं कि इसकी पेड़ी भी बहुत अच्छी नहीं होती है, यानी सेकंड साल का गन्ना अच्छा नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे जो ट्रिलिंग है 0118 की वो अच्छी अदर गन्नों से अच्छी इसकी नहीं है, वो गन्ने ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कोसा 0238 की प्रॉपर हर चीज़ ठीक थी और ट्रिलिंग के मामले में भी ठीक था, तो ऐसी ये वैरायटी नहीं है। लेकिन हाँ, उससे मिलती जुलती है थोड़ी बहुत और इसमें वजन भी काफ़ी है। अगर गन्ने की हाइट देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक गन्ना आपको काफ़ी लंबा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे 11 से 12 फीट का गन्ना देखने को मिलेगा 0118। खैर, अब हम बात करते हैं 13235। भाइयों, ये जो रोड पे हमारा यहाँ से देखेंगे तो रोड पे ये हमारा प्लॉट है 1.5 एकड़ का और इसमें हमने चार वैरायटी लगाई थी और चार वैरायटी में हमने 13235 को भी लगाया था। तो हालात कुछ ऐसे हैं, आप अगर देखेंगे ध्यान से, इस गन्ने में भी जितनी लागत अदर गन्नों में लगी थी उतनी ही लागत इस गन्ने में भी आई है। और इसके इसमें जो कमी मुझे जहाँ तक रियलाइज हुई, जहाँ तक लगी, वो ये लगी, देखिए आप ध्यान से, ये 13235 का गन्ना है प्रॉपर। आप देखेंगे इसमें ट्रिलिंग देखेंगे, ज़बरदस्त ट्रिलिंग है, काफ़ी गन्ने कल्ले निकले हुए हैं और कल्ले के साथ में इसकी हाइट जो ना वो 12 फीट की लगभग हुई थी जब हमने नापा था इसको दोबारा से। तो जिसमें मैं गन्ने की बंधाई करा रहा था भाइयों, तो उस समय इसकी हाइट जो है बहुत अच्छी थी, 13235 की काफ़ी अच्छी हो रखी थी। उसके बाद ये बंधने के बाद भी आप भाइयों देखेंगे कितना बेकार गन्ना होता है कि गिर जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी हमें कमी दिखाई दी थी वो ये दिखाई दी थी, अभी आप देखिए गन्ना बिल्कुल जड़ से लगा हुआ है और गन्ने की आँख ना प्रॉपर जम गई। देखिए ये मील में डालने वाला गन्ना होता है। अगर आप इसको बुआई के लिए प्रिफेयर मैं करूँगा तो आप इसकी जब आँख की कटाई करें, दो आँख या सिंगल बड की कटाई करें, डबल बड की कटाई करें, तो आपको आँख प्रॉपर चेक करके ही डालना है गन्ने में, तभी आप सही से इसका इससे पैदावार ले सकते हैं। दूसरा, कोसा 0238 के बाद ये गन्ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है और मेरे हिसाब से इस गन्ने को भी आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके से, ये 13235 की वैरायटी है और प्रॉपर लंबाई है, अर्ली की वैरायटी है। तीनों वैरायटी भाइयों मैं जो दिखा रहा हूँ वो अर्ली की हैं, फैक्ट्री में अच्छे से ली जाती हैं। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा यहाँ से दो तीन लाइनें हमने 13235 की लगाई थी तो पूरी नीचे लास्ट तक पूरी गिर ही गई हैं, यही दो गिरी हैं। वहाँ 0118 खड़ा हुआ है, यहाँ पे
13 14 201 की वैरायटी लगी हुई है। लेकिन एक चीज़ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे बीच में जब लागत पानी लगाया गया था तो 14 201 की जो हाइट है वो प्रॉपर देखने को मिली थी मुझे, काफ़ी अच्छी हाइट देखने को मिली। चलिए मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा है 14 201, यानी 13 235 हमने आपको दिखाया, 14 201 की बारी है अब। तो यहाँ पे अगर गन्ना आप देखेंगे तो इस गन्ने की हाइट अगर आप यहाँ पे देखेंगे इधर साइड में तो गन्ने की हाइट आपको 5 से 7 फीट ही मिलेगी मैक्सिमम किनारे पे। लेकिन अंदर ही जहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी और गन्ने की अघोला आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। पूरा देखिए आप ध्यान से, और पत्तियाँ इस गन्ने में बहुत होती हैं आप देखिए। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसके इंटरनोड ना बहुत छोटे छोटे होते हैं अदर गन्नों की अपेक्षा। आँख इसकी गोल होती है थोड़ा सा ही। अब आप ध्यान से देखिए इस तरीके से, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, तो मैंने इससे पहले जो वीडियोस डाली थी उसमें ये बताया था कि भाई ये गन्ने की वैरायटी जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है किसानों के लिए और लंबाई के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेकार है और लोगों ने इसको फेल किया है। हमने इसमें भी 2 बार जिब्रेलिक एसिड का भी स्प्रे दिया है और उसके बाद भी गन्ने की हाइट ना बहुत प्रॉपर नहीं मिल पाई। इतनी मेहनत करने के बाद, गुड़ाई होने के बाद, ट्रिलिंग प्रॉपर है ये मानता हूँ कि हाँ ट्रिलिंग के मामले में ये बिल्कुल परफेक्ट गन्ना है किसानों के लिए, लेकिन हाइट पे मात खाता है और इसीलिए हमारी पैदावार ना बिल्कुल लो हो जाती है। तो आप इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, गन्ने को बोने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे गन्ने में हाइट नहीं रहेगी तो हम वज़न नहीं ले पाएंगे ट्रिलिंग कितनी भी हो, ठीक है। तो हम पैदावार हमारी यहीं पे मात खाते हैं इस गन्ने को लेके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गन्ने के देखिए किनारे पे आ गए हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे हाइट आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। मैं 5 से 5.5 फुट का हूँ और उसके बाद इसकी हाइट आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से तो ये वही 6-7 फिट का गन्ना अभी यहाँ पर दिख रहा है। किनारे पर मानते हैं, अगर आप बीच में देखते हैं वो वहाँ पर 10-11 फिट का गन्ना लगभग हो रखा है यहाँ पर 2-3 लाइनें। तो 14 201 की वैरायटी आप लगाना चाहें तो जा सकते हैं, प्रिफेयर मैं कर रहा हूं। बाकी उस एरिया के लिए 14 201 बढ़िया है जहां पे मिट्टी इसको सपोर्ट करती है। 15 023 को मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया है। क्यों नहीं कवर किया है? क्योंकि उसकी मैंने नर्सरी लगा के देखा था रोड पे और उसको एक आम गन्ने की तरह ट्रीट किया था, यानी उस पर कुछ भी हमने ज़्यादा नहीं किया था और नर्सरी ठीक हुई थी, लेकिन आवारा पशुओं ने उस गन्ने को बिल्कुल तोड़ दिया था किनारे से और उसी वजह से वो गन्ना ख़राब हो गया, नष्ट हो गया एक तरीके से 15 023। और वो गन्ने में जो हमें सबसे ज़्यादा कमी लगी थी वो ये लगी थी कि उसकी जो पत्तियां ना उनके ऊपर इतनी चींटी का प्रकोप रहता है कि भाई अभी स्प्रे करो फिर 15 से 20 दिन बाद फिर दोबारा स्प्रे करो, आती हैं चली जाती हैं और उसी वजह से पत्तियाँ जब स्वस्थ नहीं होती, चौड़ी नहीं होती, तो गन्ने की हाइट ना वो कम रह जाती है और गन्ना जो है ना वो अच्छे से चल नहीं पाता है। उसको जड़ से तो सही न्यूट्रिशन मिल रहा है गन्ने को, बट ऊपर से न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए मैं उस गन्ने को प्रेफर नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से, मेरे एरिए के हिसाब से सबसे अच्छा जो मुझे गन्ना लगा है वो 13 235 लगा है। उसमें जो है शुरू में कम खाद लगती है, कम कीटनाशक लगते हैं, सब कुछ कम लगता है, लास्ट में वो ना गिर जाता है। दूसरा उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो गन्ने में आँख जमने की समस्या ज़्यादा रहती है, तो उसकी मेरे हिसाब से फागुन के महीने में हर हाल में बुआई हो जाए तभी वो बड़ी बढ़िया है। अगर आप गेहूं काट के उसकी बुआई करेंगे तो उसकी ऐसी की तैसी जाएगी उस गन्ने की और आप उस गन्ने से पैदावार नहीं ले सकते। तो ये वीडियो मेरा यही मतलब था बनाने का, भाई 3 तरीके की गन्ने की वैरायटी हम आज कवर कर रहे हैं और ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और कोशिश हो सके तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।